अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया वहीद। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए एंड डीटीवी एनएन। आइए डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर एक नज़र। पिशावर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग, मारूफ कानूनदान लतीफ आफरीदी जाँ बहक। सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लतीफ आफरीदी पिशावर हाईकोर्ट के बार रूम में कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक सीनियर वकील लतीफ आफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में दीगर वकला के साथ बैठे हुए थे, जब मुसल्ला शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। सीनियर वकील को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए करीबी वाकया लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां तर्जुमान LRH मोहम्मद आसिम ने तस्दीक की कि लतीफ आफरीदी अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। मोहम्मद आसिम ने यह भी कहा कि सीनियर वकील को मुतअद्दिद गोलियां लगीं। सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी शनाख्त अदनान आफरीदी के नाम से हुई है, जो कि मकतूल का रिश्तेदार है। माशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने लतीफ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लतीफ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि नामवर कानून दान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के पेशावर में मेहमाना कत्ल पर दिली दुख और रंज हुआ। ट्विटर पर जारी अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। सूबाई हुकूमत इसकी बेहतरी के लिए फिलफौर इकदाम उठाए।